तो हेलो गाइस, जबलपुर मौज में आपका एक बार फिर स्वागत है। तो मैं आया हूँ डुमना नेचर पार्क, जो कि जबलपुर में बना हुआ है। तो मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ, देखते चलिए। तो गाइस, मेरे से बोलते नहीं बन रहा है कि मैं क्या कैसे बोलूँ, तो मैं जो कुछ मेरे मुँह में आ रहा है मैं बोलते जा रहा हूँ। तो वीडियो लगातार आगे तक बने रहिए वीडियो में, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ डुमना नेचर रिज़र्व, जो कि सामने लिखा हुआ है। आपको फर्स्ट गेट में एंटर होंगे, जहाँ पर टिकट की व्यवस्था भी है। टिकट में आपको फुल निश्चिंत हो जाएंगे। तो गाइस, यहाँ पर देखिए हम लोग को एक हिरन दिखी है, वो उस साइड देखिए। तो आप लोग को वीडियो में इतना क्लियर ही नहीं दिख पाएगा, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि यहाँ पर आपको हिरन और मोर भी देखने मिलेंगे। तो आप आइए यहाँ पर और यहाँ का आनंद लीजिए। डुमना नेचर रिज़र्व, जो कि जबलपुर एयरपोर्ट। तो गाइस, इसमें आगे देखिए हुआ है, यहाँ पर पार्क बनाया हुआ है बच्चों के लिए, फैमिली के लिए, यहाँ पर झूला झूलने के लिए। और यहाँ पर देखिए, तो कुछ दो तीन बच्चे आ रहे हैं, तो इनसे भी हम लोग थोड़ा मस्ती करेंगे। देखो भाई, ये दोस्त लोग देख रहे हैं। तो ये देखिए, इन लोग जा रहे हैं अंदर झूला झूलने के लिए। देखिए, उन लोग कुछ दिखा रहे हैं, उन लोग कुछ दिखा हुआ है। चलो अंदर चल के देखते हैं, बोल रहे हैं वो चले गए देखने के लिए। तीन दोस्त दिख रहे हैं, तो मैं आपको यहाँ आगे दिखा रहा हूँ वीडियो। तो आप अंदर आते जाइए, कम से कम आधा किलोमीटर आपको आगे चलने के बाद यहाँ पर खंडारी लेक आपको देखने मिलेगी। खंडारी लेक हम लोग, हाँ ये खंडारी लेक है, जो ये देखिए यहाँ पर बहुत ही फ़ोटो खींचने के लिए बहुत ही अच्छा लुक आता है यहाँ पर। दूसरे साइड तो यहाँ पर आपको खंडारी लेक का हमने आपको दिखा दिए हैं। इसके बाद फिर दूसरी साइड जाने के लिए तैयार हो गए हैं। तो यहाँ पर देखिए, आप देखते रहिए, आप वीडियो में बहुत ही मज़ा आने वाला है दोस्त। यहाँ पर आपको दो चीज़ के हम लोग दिखाने वाले हैं, डुमना नेचर पार्क और खंडारी लेक। तो वीडियो में जुड़े रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। देखिए, यहाँ पर दो लोग कपल्स जिनको बोलते हैं, यहाँ पर खड़े हुए हम लोग को देख कर, देखिए दूर हो चुके हैं। तो आपको ऐसे बहुत सारे आपको कपल्स देखने मिलेंगे। ये इनने अपने बैठने के लिए बैग रखा हुआ है। तो आप यहाँ पर आएंगे, ज़्यादातर ये स्पॉट कपल्स के लिए ज़्यादातर जाना जाता है हमारे जबलपुर में, डुमना नेचर रिजर्व। तो देखिए, हम लोग आ चुके हैं वहाँ से पार होके खंडारी लेक से। तो यहाँ पर आपको बहुत ही अच्छा प्लेसमेंट मिलेगा यहाँ पर फ़ोटो खींचने के लिए, बैकग्राउंड के लिए। यहाँ पर इसके बारे में कुछ लिखा हुआ है, नेचर पार्क के बारे में। कहीं मिला नहीं होगा, आप आइएगा तो पढ़िएगा ज़रूर, मज़ा नहीं आता है। खैर, हम लोग ने तो पढ़ा नहीं। तो ये देखिए, यहाँ पर आप बहुत ही मतलब कि पब्लिक आ रही है धीरे धीरे। तो हम लोग देखिए जंगल में थोड़ा मस्ती करने के लिए अंदर जा रहे हैं। चश्मे को उठा रहा हूँ, देखिए गाइस, गाइस हम लोग अंदर जाते ही जा रहे हैं। हम लोग को पता नहीं कि अंदर क्या है, अपना मिल जाए वो भाई। यहाँ पर देखिए, ये अंदर बैठने के लिए बहुत ही अच्छी बनाया हुआ है। ये देखिए, आप आइएगा ज़रूर यहाँ पर। तो गाइस, अब हम जा रहे हैं खंडारी लेक, जो कि दूसरा हमारा स्पॉट है। तो आगे तो यहाँ इन लोग बोल रहे हैं, बच्चे लोग मिले हैं, तो बोल रहे हैं कि आगे कुछ बंद है, तो आप जाइए ना जाइए। तो हम लोग आ चुके हैं डुमना नेचर पार्क करके खंडारी लेक। तो गाइस, ये देखिए खंडारी लेक तो अभी सूखा हुआ है, और यहाँ पर इन लोगों ने ताला लगा दिए हैं। तो क्या है कि जबलपुर में पानी नहीं गिरा है, तो खंडारी लेक इस समय सूखा हुआ है, और यहाँ पर ताला भी लगा दिया गया है, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पर। तो देखिए, ताला लगा हुआ है, सब बाहरी से आप यहाँ पर देख कर जा रहे हैं, और सबको निराश होती है जा रहे हैं। खैर, आप लोग तो निराश नहीं होंगी, जो कि आज जबलपुर मौज में जुड़े हुए हैं। तो मैं आपको लगातार ये वीडियो आपको दिखा रहा हूँ, देखिए मनोहर के साथ। तो दोस्तों, खंडारी लेक पार होने के बाद हम जा रहे हैं आगे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर डुमना एयरपोर्ट है। तो यहाँ पर देखिए प्लेन लैंड हो रहा है, तो मैं आपको दिखा रहा हूँ एक पिक। तो दोस्तों आगे जाने के बाद हमें बच्चों के मनोरंजन के लिए यहाँ पर नगर निगम ने यहाँ पर मिनी ट्रेन का बंदोबस्त कराया हुआ है। तो हम आगे चल रहे हैं, वहाँ पर सब लोग मिनी ट्रेन को सवारी करके वापस लौट रहे हैं वहाँ से। तो हम लोग जा रहे हैं आपको दिखाने के लिए मिनी ट्रेन, जो कि डुमना नेचर रिज़र्व में बनाई गई है। तो देखिए, यहाँ पर पेड़ भी कटे हुए डले हुए हैं।
देखिए मिनी ट्रेन जो कि यहाँ पर बैनर लगा हुआ है, मिनी ट्रेन चालू है का आपको देखने मिलेगा। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सब लोग मिनी ट्रेन का जो टिकट काउंटर है आपको वो दिख रहा होगा सामने, वो देखिए वहाँ पर कुछ लोग हैं, वो टिकट काउंटर है डुमना नेचर रिजर्व में मिनी ट्रेन का। देखिए उसका ट्रैक बना हुआ है, आपको देखने मिलेगा। ट्रेन भी यहाँ पर सब व्यवस्था कराई है। ये देखिए मिनी ट्रेन आ रही है यहाँ पर। तो दोस्तों मिनी ट्रेन जो कि आ रही है अपनी आवाज़ के साथ यहाँ पर चारों साइड हल्ला करते हुए, टक 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 का आपको आवाज़ सुनाई दे रही होगी। संस्कारदानी एक्सप्रेस आ रही है। संस्कारधानी एक्सप्रेस चली जा चुकी है। दोस्तों संस्कारधानी एक्सप्रेस का ये टिकट काउंटर है, देखिए लिखा हुआ है टिकट घर। तो देखिए यहाँ पर संस्कारधानी एक्सप्रेस की हम लोग आगे चल रहे हैं। मेरे पीछे संस्कारधानी एक्सप्रेस आ रही है। तो भाई संस्कार थानी से तेज हम लोग अपनी पैदल चल रहे हैं, देखिए पीछे आ रही है। तो दोस्तों संस्कार थानी एक्सप्रेस के हम लोग आगे हैं और इसमें देखिए सभी की फैमिली इसमें बैठी हुई है और अपना आनंद ले रही है। तो दोस्तों संस्कारधानी एक्सप्रेस को आगे आते ही आपको यहाँ पर डुमना नेचर रिजर्व में यहाँ पर देखिए एक तो टेरेस बनाया गया है यहाँ पर लकड़ियों का और पाइपों का। तो इसमें भी फ़ोटो खींचने का बहुत ही अमेजिंग लुक आता है और बीचों बीच यहाँ पर पेड़ लगा हुआ है। तो देखिए दोस्तों हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं ऊपर का, इसमें चढ़ने के बाद टेरेस में जो कि देखिए बहुत ही अच्छा लग रहा है हम लोग को देखते हुए। तो यहाँ पर देखिए कुछ लोग यहाँ पर फ़ोटो शूट कर रहे हैं। तो दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो अब हम लोग जा रहे हैं घर। तो आप भी आइए और यहाँ पर आनंद लीजिए डुमना नेचर रिज़र्व का जो कि जबलपुर में बना हुआ है। बाय गाइस, तो मिलते हैं अगली वीडियो में।